हेलो बरस स्पोर्ट्स वलपाडा अपन प्लीज थोड़स आयोजन कमिटी से लगे संपर्क साधा सामनेला सुरू होने पूर्वी संगणक अपन प्लीज थोड़स लगे संपर्क साधा दोनों संघांसाठी एक महत्त्वाची सूचना असेल नाणेफेक झालेले जरी नाणेफेक झाला असलं तरी मात्र सामना फक्त आणि फक्त चार षटकांचा आहे जी हाँ, आज के सभी मैचेस चार चार ओवर्स के कर दिए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देरी से खेल की शुरुआत हुई थी, वक्त की कमी के कारण चार चार ओवर्स के मैचेस खिलाए जा रहे हैं। हालांकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने पूरा प्रबंध किया था कि पांच पांच ओवर्स के मैचेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टीमों ने ठीक तरह से सहयोग नहीं किया है समय के मामले में, जिस वजह से अब चार चार ओवर्स के मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चार चार ओवर्स के मैचेस भी काफ़ी रोमांचक हो रहे हैं। पिछले दोनों भी मुकाबले बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच गए थे। पिछला मैच तो अंतिम गेंद तक पहुंच गया था और कहीं ना कहीं जो मैच जीतना चाहिए था नवघर टीम को, उस मैच में उनको हार झेलनी पड़ी। लेकिन आखिरकार वो जो कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, जिस तरह से आखिरी ओवर में गेंदबाजी की गई थी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली थी, लेकिन आखिरी गेंद पर गलती की गेंदबाज ने, बीमर गेंद कर बैठे जब एक गेंद पर छः रन चाहिए थे और आखिरी गेंद पर चौका भी देखने को मिला। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला था बैट्समैन विजय ने, लेकिन उससे पहले विश्वनाथ जाधव की विश्व स्तरीय बल्लेबाजी भी तो देखने को मिली थी। और यही क्रिकेट का खेल है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए महेश ठाकरे सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम की ओर से प्रीतेश और उनके साथ गणेश, प्रीतेश कप्तान है, गणेश के पास स्ट्राइक, अनुभवी खिलाड़ी है। पहली गेंद लेकर महेश ठाकरे शायद अपना बॉलिंग रनअप माप रहे अभी भी, बॉलिंग रनअप को नापना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर गेंदबाजी का विश्लेषण भी खराब हो सकता है। लॉन्ग ऑन और डिप मिड विकेट, ये दो खिलाड़ी बाउंड्री पर बिल्कुल परंपरागत फील्ड प्लेसमेंट पावर प्ले के ओवर में। पहली गेंद घुमा दिया खूबसूरती के साथ, कोई मौका नहीं स्क्वायर लेग फील्डर के पास, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन। हालांकि स्क्वायर लेग का खिलाड़ी थोड़ा सा बैकवर्ड है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग था वहां पर, उसके सामने से खेल दिया और एक बार यहाँ पर पावर प्ले में आप यदि सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी है उनको बीट कर दो, टाइमिंग आपकी यदि अच्छी है तो ज़रूर चौका मिलता है क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही बढ़िया है, तेज़ आउटफील्ड है दापोड़ी के वीर तानाजी क्रिकेट ग्राउंड पर। अच्छी शुरुआत करते हुए बैट्समैन, हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी जिसको बहुत जल्दी पढ़ लिया था बैट्समैन गणेश ने, और पहली गेंद पर खूबसूरत चौका। ऑफ साइड में पाँच फील्डर्स है, ऑन साइड में चार खिलाड़ी, अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार आगे निकले थे, बहुत बढ़िया गेंद थी, अपने आप को हालांकि यॉर्क कर लिया वहाँ पर बैट्समैन ने और किसी तरह से गेंद को खेलने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। महेश ठाकरे बड़े ही अनुभवी ऑलराउंडर है, कितने ही सालों से खेल रहे हैं लेकिन उनकी भी फिटनेस की दाद देनी होगी, मजबूत कदकाठी के लंबे ऊँचे कद के खिलाड़ी। इस बार ऊंचा उठा दिया है, फील्डर है बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, बढ़िया कैच, पहले विकेट का पतन होता हुआ। गणेश ने चौके से शुरुआत जरूर की थी लेकिन उसके बाद ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए, चार रन बनाकर लौटते हुए पेवेलियन में। एक तरह से लालच दिया गया था, पैरों की तरफ गेंद को रखा गया था, आगे रखी हुई गेंद थी और सामने लॉफ्ट करने के लिए मजबूर किया, ज़्यादा ऊँचाई थी स्ट्रोक में, ज़्यादा ताकत भी नहीं झोंक पाए क्योंकि गेंद उनसे बहुत नज़दीक थी। जब शरीर से दूर शॉट खेलने का मौका मिलता है तो हाथ घुमाने का मौका मिलता है और ताकत भी जो की जाती है, लेकिन जब पैरों के यदि नज़दीक गेंद हो तो उस पर ताकतवर शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं वो एक कारण रहा कि कैच आउट हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर ने कोई गलती नहीं की। हालांकि बल्ले पर अच्छी तरह से लिया था गेंद को लेकिन गैप में खेलने की आवश्यकता थी, दो ही तो खिलाड़ी है सर्कल के बाहर, ऐसे में यदि एक को आप ढूंढ लेते हो तो कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक आपने खेला है, यही उसका अर्थ होता है। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी रखा गया है अब और एक लॉन्ग ऑन है, नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर नंबर तीन पर खेलने के लिए अविनाश, स्ट्राइक कैप्टन प्रीतेश के पास। कप्तान ने टॉस में कहा था कि 50 से ज़्यादा रन्स बनाने की उनकी कोशिश होगी,
पिछले दो मैचेस 55-56 के देखे, दोनों चेज किए गए। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए डिप मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया, 6 रन। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, ज्यादा ताकत हालांकि इस स्ट्रोक में भी नहीं थी, लेकिन टाइमिंग लाजवाब। बॉटम हैंड का जरूर इस्तेमाल किया था। ये देखिए लंबा ऊंचा सिक्सर, जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की। महेश ठाकरे इनवाइट कर रहे हैं बल्लेबाजों को, आमंत्रित कर रहे हैं बड़े शॉट्स के लिए, लेकिन ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोधारी तलवार है, क्योंकि इस पर विकेट भी आपको मिल सकते हैं लेकिन बड़े शॉट्स भी लग जाते हैं, जैसे कि इस गेंद पर छक्का लगा है। स्कोर 6 रनों से उछलता हुआ दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आज का पहले राउंड का अंतिम मैच जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा और गावदेवी अंजुर के बीच में खेला जाएगा। आधुनिक ग्रामीण क्रिकेट काफी बदला हुआ है। इस बार अपने आपको रूम देकर मिड ऑफ के ऊपर से उठा दिया है, एक और दर्शनीय स्ट्रोक, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, पहले ऑन साइड में छक्का जड़ा, उसके बाद हल्का सा अपने आप को रूम दिया और फिर से थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, हालांकि ये ऑन द राइज खेला है लेकिन बढ़िया संपर्क। मिड ऑफ ऊपर खड़ा था, उसका फायदा उठाया, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए कैप्टन प्रीतेश और कप्तान ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की अपनी पारी की। पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद चौका, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंद बदलने की मांग की जा रही है और हर मैच में हम देखते हैं कि गेंदें काफ़ी गुम भी हो जाती है और गेंद का आकार भी बदल जाता है, क्योंकि बहुत मार पड़ रही है। बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं आज, पिछले दो मैचेस में काफ़ी सारे रन्स बने और इस मैच में भी लगता है कि हाई स्कोरिंग मैच शायद होगा ये। जिस तरह से शुरुआत की है बल्लेबाजों ने, 1 विकेट ज़रूर गिरा है लेकिन पहली 5 गेंदों पर 14 रन और 1 भी रन दौड़कर नहीं लिया गया है, 2 चौके लगे हैं और 1 सिक्सर। और इस टूर्नामेंट के बॉल स्पॉन्सर सम्माननीय शुभम विष्णु पाटिल, जिनका हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं आरडी ग्रुप की ओर से, निव्या कंपनी के हेवी टेनिस बॉल से ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर महेश ठाकरे दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार पीछे रखा था, गेंद को हवा में खेल दिया है कवर पॉइंट के ऊपर से और पाए गए डीप में, बहुत ही अच्छा कैच, बढ़िया एंटीसिपेशन। जैसे ही स्ट्रोक खेला गया था खिलाड़ी ने बाहर सर्कल के बाहर दौड़ना शुरू कर दिया था, थोड़ा साइडवेज भी जा रहे थे कवर के खिलाड़ी लेकिन कोई गलती नहीं की, थोड़ा मुश्किल कैच था लेकिन उसको आसान बना लिया और ये रहा 2रा विकेट। रोशन थे फील्डर जिन्होंने कैच को अंजाम दिया है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास था, इनफील्ड के बाहर ज़रूर गेंद गई लेकिन काफ़ी ऊंची चली गई थी, मिस टाइम स्ट्रोक था और समय कहीं ना कहीं मिल गया फील्डर को गेंद के नीचे पहुंचने का, सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी देखने को मिली। 2 विकेट चटकाए पहले ओवर में महेश ठाकरे ने, लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए, स्कोर 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कैप्टन प्रीतेश 10 रन बनाकर पेविलियन की राह पर, अच्छी शुरुआत मिली थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो गए थे, अत्यधिक आक्रामक हो गए थे जिस वजह से उन्होंने अपना विकेट गंवाया। थोड़ी सूझबूझ बल्लेबाजी की भी ज़रूरत थी, सूझबूझ दिखाने की आवश्यकता थी, क्योंकि 2 बड़े शॉट्स खेलने के बाद थोड़ा संयम के साथ खेलते तो शायद एक लंबी पारी उनकी ओर से देखने को मिल सकती थी, लेकिन ये होता है जब बल्लेबाजों के लिए अनुकूल विकेट होता है, ज़्यादा रन्स तो बनते हैं लेकिन कई बार बल्लेबाज थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं और हर गेंद पर चौका या छक्का जड़ने की कोशिश होती है, ऐसे में गेंदबाजों को विकेट्स ज़रूर मिलते रहते हैं। आरडी ट्रॉफी 2020 का ये दूसरे दिन का खेल, बड़ा ही खुशगवार और खुशनुमा मौसम है यहाँ पर दापोड़े में, हवाएं सुबह से बह रही है लेकिन बहुत तेज़ हवाएं बह रही है ऐसी भी बात नहीं है, अब थोड़ी सी तेज़ ज़रूर हो गई है सुबह की तुलना में। चार ओवर्स प्रति पारी का मैच है, पहला ओवर पावर प्ले का था समाप्त हो चुका है और अब नॉन पावर प्ले फेज
बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी है, गली की तरफ लगभग सर्कल के बिल्कुल किनारे पर एक शॉर्ट थर्ड मैन फाइन रखा गया है और फाइन लेग भी सर्कल के अंदर, वो भी फाइन है। राजू के हाथ में गेंद, बुलर लेन बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया है स्वीपर कवर की दिशा में। थोड़े दूर थे फील्डर वहां पर जब तक आकर उठाते, दो रन लेने का अवसर। नए बैट्समैन आए हैं महेश, महेश ने अपना खाता खोला है दो रनों से। एक आत्मविश्वास भरा ड्राइव देखने को मिला स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में। इस बार ऑन साइड में स्लॉग स्वीप लेकिन मिस टाइम कर बैठे हैं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके खिलाड़ी गेंद के नीचे और इसके साथ ही बैट्समैन का काम तमाम। तीसरे विकेट का पतन, विकेट्स जल्दी जल्दी गिर रहे हैं और यहाँ से एक दो विकेट्स और गिर जाएंगे तो फिर 50 जो एक आंकड़ा है साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए विपक्षी टीम के लिए, उसको छूना बहुत मुश्किल हो सकता है। कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। घुटना थोड़ा सा नीचे टिका दिया था और फिर आड़े बैट से प्रहार किया था स्लॉग स्विप, लेकिन थोड़ी ऊपर लगी बल्ले के, थोड़ा सा उछाल था गेंद में जिसके चलते कैच आउट होकर पेवेलियन में लौट चुके हैं बल्लेबाज महेश। मात्र दो रनों का योगदान दे पाए। तीन बैट्समैन आउट हो चुके हैं, सबसे पहले गणेश चार रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद कप्तान प्रीतिश 10 रन बनाकर आउट हुए और अब महेश जिन्होंने मात्र दो रन बनाए। टीम का स्कोर है 16 रन दो तीन विकेटों के नुकसान पर। भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा टीम के सामने। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है राजू, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए सटीक लाइन पकड़ी हुई है और बड़ा ही सफल ओवर उनका साबित हो रहा है। नंबर 5 पर आए हैं प्रीतेश, प्रीतेश जूनियर ओहो कट करना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इस बार थोड़ी तेज निकल गई गेंद और बैट्समैन लेट कट हालांकि खेलना चाह रहे थे और कुछ ज़्यादा ही शायद लेट हो गए जिस वजह से गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए। लगातार ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गेंदबाजी की जा रही है, हाथ खोलने के लिए जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। इस बार मौका ज़रूर था, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हुक करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए। एक और डॉट गेंद, हिटनी गेंद थी मैं समझता हूँ क्योंकि राजू के पास ज़्यादा रफ्तार नहीं है और ऐसे में वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे तो फिर शॉट खेलना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, बहुत ज़्यादा शफल कर चुके थे। ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलने का प्रयास किया था अविनाश ने। इस बार मोटा सिरा लगा है, वाइटिश गली में फील्डर मौजूद है, बाउंस पर उठाते हुए फील्डर, एक रन ज़रूर मिल जाएगा। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं क्रीज पर अविनाश, चौथी गेंद पर उनका खाता खुला है इस सिंगल की मदद से और इसके साथ ही दो ओवर का खेल पूरा होता हुआ। स्कोर केवल 17 रन तीन विकेटों के नुकसान पर, भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा। जबरदस्त गेंदबाजी राजू द्वारा, मात्र तीन रन खर्च के और एक सफलता प्राप्त की। अगले मैच के टॉस के लिए जय भोलेनाथ सरूलीपाड़ा टीम के कैप्टन और गाँवदेवी अंजुर टीम के कैप्टन, अब दोनों को तुरंत आना है। पहले राउंड का अंतिम मैच रहेगा, उसके बाद सेकंड राउंड का मैच पवन पुत्र सॉरी चिरोवा कोन बी और वीर तानाजी दापोड़े ए के बीच में रहेगा और फिर एक और सेकंड राउंड का मैच देखने को मिलेगा। बड़ी टक्कर होगी सोनादेवी टेमघर और गाँवदेवी थानीव के बीच में। क्या बात है, ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी वडू नवगर के टूर्नामेंट में स्वर्गीय कुंतीबाई जोशी स्मृति कप में और वहाँ पर टेमघर टीम जीती थी, लेकिन आज शायद एक अलग नतीजा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बहुत ही ज़बरदस्त संघर्ष होगा दोनों भी टीमों के बीच में। गेंदबाजी में परिवर्तन, देवा आए हैं आक्रमण पर, दाहिने हाथ के गेंदबाज है मध्यम गति के तेज बॉलर। मात्र 17 रन बने हैं लेकिन आज हम देख चुके हैं कि खराब शुरुआत होने के बाद कई टीमों ने वापसी की है। डेथ ओवर्स में खासतौर पर तीसरे चौथे ओवर में ज़्यादा रन्स बनाए हैं। वलपाड़ा टीम के बल्लेबाज भी ज़रूर कोशिश करेंगे। देवा की पहली गेंद आगे रखा है, मिस टाइम कर बैठे हैं लेकिन विकेट कीपर थोड़ी दूर है,
और इससे पहले कि शॉट थर्ड मैन की तरफ लगभग गली की तरफ उसको फील्ड किया जाता है, एक रन लेने का अवसर। इक्का दुक्का रनों से यदि स्कोर आगे बढ़ता रहता है तो गेंदबाज को ज़्यादा कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि सिंगल डबल्स में यदि रन आते रहेंगे तो शायद 35 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पहुँच सकता है, जो कि एक बहुत ही कम स्कोर माना जाएगा इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर। एक और बढ़िया गेंद, देखिए ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी हुई नहीं रही इस पारी में अभी तक, आगे गेंदबाजी की जा रही है। ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैन यदि शफल करते हैं तो और थोड़ा दूर रखते हैं, तो चलाकी से गेंदबाजी की जा रही है और बल्लेबाज भी गेंद के मेरिट पर ज़्यादा ठीक तरह से खेल नहीं पाए हैं, जिस वजह से ज़्यादा तेज़ गति से रन्स नहीं बना पाए हैं। अगली गेंद, फिर से आगे रखी हुई गेंद, अपील, प्रश्न पूछा जा रहा है अंपायर से, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। कहीं ना कहीं बल्ला जो है वो पिच पर टकराया था, जिसकी आवाज़ शायद गेंदबाज के और विकेटकीपर के कानों तक पहुंची होगी। और गेंदबाज तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उनका विश्वास ही नहीं बैठ रहा है, यही मज़ेदार बात होती है क्रिकेट के खेल में। अपील जब की जाती है तो गेंदबाज को हमेशा लगता है कि बैट्समैन आउट है, गेंदबाज तो गेंदबाज ही होता है, जब भी मौका मिलता है तो अपील ज़रूर करता है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में देवा, इस बार फुल टॉस है, ऊंचा उठा दिया है, मिस टाइम कर बैठे हैं, वाइड इज डीप मिड विकेट पर, कैप्टन वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं की ऋषभ ने, और ये रहा कुल मिलाकर इस पारी में गिरने वाला चौथा विकेट। निराश कर रहे हैं कहीं ना कहीं भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड पाटा टीम के बल्लेबाज, और कप्तान ने जो निर्णय लिया था कहीं ना कहीं कप्तान पर मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी थी कि उसको सही ठहराए, क्योंकि ओपन करने आए थे कप्तान, शुरुआत बढ़िया की थी उन्होंने, बहुत ही शानदार दो शॉट्स खेले थे, डिप विकेट के ऊपर से छक्का, उसके बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर भी गेंद को निकाला था चार रनों के लिए, लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो डीप कवर में आउट हुए कैच के रूप में, और अब कहीं ना कहीं पारी लड़खड़ा रही है, विकेट्स भी गिर रहे हैं लगातार और रन्स भी रुके हुए हैं, स्कोर केवल 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन आए हैं मयूर, अगली गेंद का सामना करते हुए अविनाश, अपीश खेला और आउट, पॉइंट पर कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच, एक और विकेट का पतन। यश थे वहां पर पॉइंट की दिशा में, नीचे नहीं रख पाए अपने स्ट्रोक को, हवा में खेल बैठे थे और सीधे फील्डर के पास, धर दबोचा दोनों हाथों से गेंद को यश ने, कैचेस नहीं छोड़े जा रहे हैं, बढ़िया फील्डिंग देखने को मिल रही है और बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पिछले ओवर से तो पूरी तरह से गेंदबाजों का राज है। महेश ठाकरे भी देखिए, उनका ओवर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, महंगे ज़रूर साबित हुए लेकिन दो महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया था, तो कहीं ना कहीं दो विकेट जल्दी गिर गए थे, उस वजह से आने वाले बल्लेबाजों पर भी दबाव था, और वो दबाव का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डॉट गेंदे बल्लेबाजों ने खेली है और अब लगातार विकेट्स गिरते हुए, विकेट गिरने का जो सिलसिला है वो जारी है। हैट्रिक पर आ गए हैं गेंदबाज देवा, कल एक हैट्रिक हुई थी, 11 गेंदे अभी तक डॉट इस पारी में, हैट्रिक गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छी रफ्तार इस बार, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बाहर थी, वाइट का इशारा, हालांकि बैट्समैन को बीट जरूर किया था, अंपायर चावित फरीद का वाइट का इशारा, जिस एंगल से हम देखते हैं कई बार ऐसे लगता है कि वाइट गेंद भी बिल्कुल लाइन के अंदर हो, लेकिन अंपायर इज द बेस्ट जज इन द गेम ऑफ क्रिकेट, बिल्कुल स्टंप्स के सामने होते हैं, अंपायर से बेहतर कौन देख सकता है गेंद को, बैट्समैन को छकाया जरूर था। लॉफ्टेड शॉट सामने की दिशा में, बहुत ऊपर खेल बैठे हैं, ज़्यादा दूर नहीं गई है, और ये कैच ड्रॉप, सुरक्षित हाथों की जोड़ी नहीं पेश कर पाए, सागर द्वारा गलती हुई है, हालांकि देखने में इस तरह के कैचेस बहुत आसान लगते हैं लेकिन उतने आसान भी नहीं होते हैं। इट वाज अ स्कायर, इट वाज अ स्टीपलर, कैच ड्रॉप हुआ है और उसका फ़ायदा उठाते हुए एक रन दौड़ कर पूरा किया गया है, बल्कि दो रन लिए हैं, माफ कीजिएगा, स्कोर 21 रन 21, तीन ओवर की समाप्ति, केवल 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से
रन्स बना रहे हैं भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम के बल्लेबाज। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए हम अक्सर ये चर्चा करते रहते हैं जब दिन में टूर्नामेंट होते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट, ज़्यादातर कप्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कप्तान की एक अलग सोच थी, टीम की अलग सोच थी। जो भी डिसीजन लिया जाता है वाकई में टीम का डिसीजन होता है, केवल कप्तान को उसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। और कप्तान प्रीतिश ने कहा था कि एक अलग चैलेंज वो अपने गेंदबाजों को देना चाहते हैं कि जो भी स्कोर खड़ा करेंगे बल्लेबाज उसको वो डिफेंड करे, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजों के लिए भी कुछ तो होना चाहिए। यदि 30 के अंदर ही स्कोर रहता है तो बड़ा ही मुश्किल काम होगा। हालांकि क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ का विकेट देखते हुए 50 रन भी सेफ स्कोर नहीं माना जा रहा है चारों ओवर के खेल में। तो ऐसे में यदि 30 के अंदर स्कोर रहेगा तो मैच जीतना बेहद मुश्किल हो सकता है भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम के लिए। लेकिन दूसरी तरफ है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम, अनुभवी टीम है, ज़्यादातर अनुभवी खिलाड़ी है उनके पास, और गेंदबाजों ने अभी तक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। महेश ठाकरे, राजू और देवा, तीनों गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की है। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए यतीश, पहले ही मन बना लिया था कि बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में खेलना है, लेकिन ठीक तरह से स्ट्रोक को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और कोई रन नहीं। और यही होता रहा है, या तो विकेट गिर रहे हैं या फिर डॉट गेंदे हो रही है। केवल पहले ओवर में अच्छी बैटिंग देखने को मिली थी, 14 रन आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन, तीसरे ओवर में केवल 4 रन आए, और आखिरी ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ। अगली गेंद का सामना करते हुए मयूर, बैक ऑफ लेन तो ऊपरी किनारा लगा है, फील्डर मौजूद है लगभग फ्लाई स्लिप की दिशा में, शॉर्ट थर्डमैन का ही खिलाड़ी है, जैसे फ्लाई स्लिप होती है वैसे ही रखा गया उसको, एक रन लेने का अवसर ज़रूर था। किसी भी तरीके का आत्मविश्वास बल्लेबाजी में नहीं झलक रहा है, बहुत ही शांत और खामोश क्रिकेट इस समय आरडी ट्रॉफी 2020 में। सीधे बैट से लॉफ्ट किया और बढ़िया कैच, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के नजदीक, बहुत ही बेहतरीन कैच। एक और विकेट धराशायी होता हुआ गिरने वाला, कुल मिलाकर ये छठा विकेट, काफी ज्यादा विकेट्स गवा दिए हैं, शुरुआत से ही विकेट्स गिर रहे हैं और विकेटों का पतझड़ देखने को मिल रहा है। जैसे पतझड़ में पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, वैसे विकेट्स एक के बाद एक गिरते हुए भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम के। और भरत स्पोर्ट्स इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है इस मैच में, स्कोर 22 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, केवल 3 गेंदे पारी में शेष। बल्लेबाजों को काफ़ी जल्दी है, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, आयाराम गयाराम वाली स्थिति है। इस बार दिशा से भटके और उस पर पड़े फटके, फाइन लेग सर्कल के अंदर है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास रोकने का, 4 रन। थोड़ा सा बल्ला लगाना था गेंद पर और वो काम बखूबी से किया है बैट्समैन मयूर ने। काफ़ी देर बाद ये बाउंड्री आती हुई, सख्त ज़रूरत कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्ट्रोक्स की, थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे, लेग स्टंप की तरफ गेंद का झुकाव था, लेग स्टंप को शायद छोड़ कर जाती, बैट्समैन थोड़ा शफल कर चुके थे। और एक तो फाइन लेग आपने अंदर ले रखा है तो इस तरह की गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर ज़रूर खिलाड़ी रखा गया है, लेकिन वो खिलाड़ी काफ़ी दूर था। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है, पुल और पावरफुल, सक्सेसफुल भी, 6 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, शुरुआत बढ़िया की थी यतीश ने, लेकिन अचानक ही अपनी लाइन और लेंथ में गलतियां कर रहे हैं, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज मयूर, मयूर की मयूरता भरी बैटिंग अब देखने को मिल रही है। 11 पर बैटिंग कर रहे हैं, टीम का स्कोर 32 रन, एक सम्मानजनक टोटल की तरफ लेकर जाते हुए अपनी टीम को। आखिरी गेंद, इस बार भी मौका था लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, गेंद पैर पर लगी, रन आउट का मौका है, रेस लगी थी बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में, गेंदबाज जीत गए और बैट्समैन रन आउट। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम की, 4 ओवर्स में केवल 32 रन बना पाई है वलपाड़ा टीम 7 विकेटों के नुकसान पर, और जीतने के लिए अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के सामने मात्र 33 रनों की चुनौती। काफ़ी खुश रहेंगे अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से और फील्डर्स के प्रदर्शन से कैप्टन ऋषभ, ठाकुरपाड़ा टीम ने बढ़िया खेल पेश किया है।
केवल 32 रनों तक सीमित रखा है चार ओवर के खेल में भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम को और 33 रनों का टारगेट है। क्या कुछ होगा ठाकुरपाड़ा टीम की पारी में देखेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं अगले मैच की टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं जय भोलेनाथ सरौलीपाड़ा और गावदेवी स्पोर्ट्स अंजुर। इट्स ओवर टू मोहन भोईर सर। हेलो, गवदेवी अंजूर विपक्ष जय भोलेनाथ सरौलीपाड़ा दोन्ही संघाच्या संघाने लगे अपन नाणेबीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये याचा आहे। चला दोन्ही संघाच्या संघाने विना विलंब अपन लगे नाणेबीसाठी टॉस बॉक्स से संपर्क साधायचा आहे। प्रथम अपन अपने रिपोर्टिंग करायचे गवदेवी अंजूर विपक्ष जय भोलेनाथ सरौलीपाड़ा। गावदेवी अंजोर या संघाचा संघटक या ठिकाणी दाखल होते प्रतिस्पर्धी संघ अर्थातच जय भोलेनाथ सरौलीपाड़ा संघाचा संघटक अपन ही प्लीज लगे यहाँ आहे। एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आरडी ग्रुप ओवली द्वारा सन्माननीय विनोद दादा पाटिल द्वारा आरडी चषक 2020 में। दूसरे दिन का खेल है और ये इम्पोर्टेंट मैच आपके सामने है भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा बनाम अष्ट विनायक ठाकुरपाड़ा। ठाकुरपाड़ा टीम के सामने चार ओवर्स में 33 रनों की चुनौती है। खेल की शुरुआत होने जा रही है और अब आइए सुनते हैं आगे की कहानी ओमकार शेट्टी की जुबानी। थैंक यू सो मच अजय दादा घरत वन ऑफ द ग्रेट कॉमेंटेटर
जन नीच मन तो एवरग्रीन वॉइस अजय घरत जवा मैच मध्य सलामी ची जोड़ी दाखल है महेश ठाकरे जोड़ी न शैलेश सलामी लाला लक्ष्य या मैच मध्ये चार षटकांच्या अखेरीस टार्गेट सेट झालं 33 धावेचं एक छोटंसं लक्ष्य आणि समोर एक मोठा संघ तो म्हणजेच अष्टविनायक ठाकूरपाडा बॉलर सज्ज होईल देवेश बॉलिंग मार्क वरती पीवनचं पहिलं षटक ओव्हर द विकेट पहिलाच बॉल ऑन साइडला ठाकूरपाडा गावाचा ट्रेडमार्क आणि हा संघ कशासाठी ओळखला जातो तर षटकार आणि चौकारांसाठी आणि महेश ठाकरेच्या बॅटमनाला पहिला षटकार महेश ठाकरेच्या बॅटमनाला षटकार आणि गणेश ठाकरे यांचं देखील आपण वेलकम करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमचे अल्पेश गायकवाड यांचे मित्र आघात झाला 6 धावेनं समोर टार्गेट छोटं असो मोठं असो आम्ही आमचा नॅचरल गेम खेळणार अजय दादा हे सांगतोय बॅट्समन महेश ठाकरे बॉल तयार होईल बॉलिंग ट्रॅकवरती काहीशी चर्चा यष्टीरक्षकांनी गोलंदाजामध्ये की कशा प्रकारे रोखलं जावं महेश ठाकरेला टीम तुम्ही पाहता ठाकूरपाडा विरुद्ध भरत स्पोर्ट्स वळपाडा बॉल तयार अजून एक फुल्लर लेंथ आणि हा चेंडू लॉन्गॉनला फील्डरच्या डोक्यावरून फ्लाय होत असताना जावेद फरीद सरांची अनोखी अदा आणि महेश ठाकरेच्या या फटक्यावरती ठाकूरपाड्याचे समर्थक फिदा बॅक टू बॅक दुसरा षटकार दोन चेंडूमध्ये दोन महेश ठाकरे एक असा बॉलर आहे ज्याच्या नावावरती ग्रामीण क्रिकेटमधली पहिली बोल्ड हॅट्रिक आहे नेक्स्ट मॅचमध्ये दुसरा बॉलर तुम्हाला सागर भोईर पाहायला मिळेल त्याचा संघ जय भोलेनाथ सरवली पाडा आणि त्यांच्या विरुद्ध फाईट करणारी टीम असेल ज्यांना हार नाहीये मंजूर गावदेवी अंजूर आणि चेंडू जाईल सीमा रेषा पार तीन बॉल आणि तीन षटकार एक वेगळेच इरादे वेगळेच मनसुबे घेऊन उतरलाय तो म्हणजेच महेश ठाकरे किती ओव्हर लागतील या मॅचला आता हा प्रश्न नक्कीच पडतोय ओव्हर लागतील की षटक लागेल आता हा देखील प्रश्न जय भोलेनाथ सरवली पाडाच्या कॅप्टनला ऑफिशियल कॉल आहे इनिंग संपल्यानंतर नक्कीच जो तुम्हाला वेळ दिला आहे त्या वेळेमध्ये तुम्ही जर आला नाहीत तर आमची कमिटी आम्हाला जी सूचना करते आहे ती तुम्हाला मान्य करावी लागेल अजून एक चार बॉल चार षटकार फोर इन अ रो आता कुठेतरी आठवण होते युवराज सिंगच्या त्या विक्रमाची ज्यांना लगावले होते 6 बॉल 6 इथे आले 4 बॉल 4 आणि मॅचमध्ये होतोय जय जयकार टीम अष्टविनायक ठाकूरपाडा नावाचा अंजूरचे कॅप्टन इथे उपस्थित झालेत जय भोलेनाथ सरवली पाडाच्या कॅप्टननं लगेच रिपोर्ट करायचं आहे नाणेफेकीसाठी ठाकरे असतील राणाजी पाखरं मात्र हा बॅट्समन ठाकरे सांगतोय या जंगलातील मी वाघ आहे आणि त्या वाघाची दहशत आणि डरकाळी तुम्हाला पाहायला मिळते आहे महेश ठाकरेचं क्रिकेट करिअर भरपूर जवळून पाहिलं चवी मुलाखत कव्हर केली आम्ही प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून या खेळाडूची अगदी भरपूर चढाव आणि उतार त्याच्या कारकिर्दीमध्ये राहिले दबाव बॉलवरती जाणवतोय एक्स्ट्रा रन ॲड होईल टीमची टोटल जाऊन पोचती आहे 25 चार बॉल मध्ये रन्स करायचे त्या मॅच मध्ये 33 बॉल तयार 5 इन अ रो कुठेतरी शब्द थांबवावा लागेल का कारण लॉंग ऑनला फिल्डर आहे मात्र तरी देखील झाली आहे चूक आणि बॉल जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर
पांच बॉल आणि पांच षटकार. व्हॉट अ बॅटिंग महेश ठाकरे. विक्रम रचला जाईल का? आणि हो, विक्रमासाठी महेश ठाकरे सज्ज आहे. मात्र यावेळी फिल्डरला ते मान्य नाहीये. कॅच ड्रॉप झाली, मात्र षटकार सेव्ह झालाय का हा देखील अजून प्रश्न, कारण अंपायर्सनं कॉल केलाय. इथे अजूनही सेव्ह आहे. यस, सिंगल महेश ठाकरे. विक्रम होता होता राहिला. पाच बॉल आणि पाच षटकार. घाम फुटला होता कुठेतरी, कारण असंही भरपूर काही गमावलं होतं. मात्र हा विक्रम जर झाला असता तर तो विक्रम कोणत्या टीमच्या नावावरती असता, विरुद्ध असता, तर वळपाडाच्या विरुद्ध, तर मग नक्कीच मी म्हणाल बॉलर कुठेतरी थोडक्यात बचावले. पाच बॉल पाच षटकार. धावसंख्या सहा बॉल नंतर झाली आहे 32, आणि जिंकण्यासाठी एका धावेची गरज आहे. क्या बॅटिंग करते ठाकूरपाडा, आणि या फॉर्म मध्ये जर तुम्ही आहात तर नक्कीच मी म्हणेल की हे वर्ष तुमच्यासाठी अगदी सुंदर असेल. कारण छोटं टार्गेट आहे, ठाकूरपाडा नाव मोठं आहे, आणि आपल्या नावाला लौकिकेला साजेशी कामगिरी ते करत असताना आतापर्यंत सगळे बॉल महेश ठाकरेनं फेस केले आणि सगळेच बॉल त्यांना सीमारेषा बाहेर पाठवलेत. एक सिंगल देखील त्यामध्ये ॲड झाली शेवटच्या बॉलवरती. आणि आता भिवंडी क्रिकेटच्या इतिहासातील एक नवा विक्रम पाहायला मिळाला असता. व्हॉट अ शॉट, स्विच हिट, आणि या सहावा षटकार महेश ठाकरेच्या बॅटमधून सात बॉलमध्ये 37 धावेची एक झुंजार खेळी आणि सामना अवघ्या सात चेंडूमध्ये संपवलाय टीम अष्टविनायक ठाकूरपाड्यानं. वॉट अ नॉक, वॉट अ बॅटिंग, आणि मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा नो डाऊट ठाकूरपाडा संघाची ओळख महेश ठाकरे ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. आणि ती स्माईल सध्या तुम्हाला पाहायला मिळते लोबो सरांनी, जावेद फरीद सरांच्या चेहऱ्यावरती. वन ऑफ द ग्रेट लेजंड अंपायर्स